हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तो ठीक हूँ, मतलब इतनी ठीक नहीं हूँ। आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। आठ दस दिन हो गए मुझे आठवें व्रत से। नवरात्रि चल रहे थे तो आठवें व्रत से मैं बीमार हो गई। मैं गीतों में जाती थी, वहाँ मुझे मतलब आठवें व्रत से बुखार आने लगा। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, बुखार है, दवाई ले लेते हैं। तो बुखार सर दर्द होने लगा, फिर सर दर्द के बाद में जब बुखार नहीं उतरता था, फिर मैं दवाई लाती थी तो उल्टी हो जाती थी मुझे। उल्टी होने से मुझे कमज़ोरी हो गई, कमज़ोरी इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं मतलब उठ भी नहीं पाई। फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं वीडियो बनाती रहूँ, जब तक ठीक रही मैंने वीडियो बनाई और थोड़ा बहुत तो दिक्कत का सामना किया, फिर भी बनाई मैंने। मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ी दिक्कत होती है, चलो बना लेते हैं। लेकिन अब जब मैंने चेकअप कराया तो मुझे डेंगू का इन्फेक्शन बताया, क्योंकि मेरे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा खुजली थी। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि चेकअप कराओ, तो चेकअप करने का पता चला कि मुझे डेंगू है। तो उसके बाद मुझे बोतल चढ़ी, 4-5 दिनों से मुझे मतलब 2 दिनों से तो बोतल ही चढ़ रही हैं। तो इस वजह से आज 2-4-5 दिन इतनी दिक्कत हो रही है, ना ही मैं बिस्तर से उठ पा रही हूँ, ना कुछ खा पा रही हूँ। खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा मुझे, बहुत कड़वा लग रहा है। ना ही कुछ फल, ना कोई चीज़ भी खाने की इच्छा नहीं कर रही है मेरी। मतलब ऐसा लग रहा है लेटे रहो बिस्तर में, बिल्कुल उठो मत। कमज़ोरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं कल का व्रत भी बहुत मुश्किल से कर पाऊँगी। मुझे लग रहा है मैं व्रत नहीं रख पाऊँगी शायद, क्योंकि हालात ऐसे हैं मेरे सामने कि मैं उठ के बैठ भी नहीं पा रही हूँ। तो मैं कैसे व्रत रखूँगी, वो तो पूरे दिन का होगा और मुझे चला नहीं जा रहा, ना ही अपने बच्चे को गोद में ले पा रही हूँ, ना ही मैं बैठ पा रही हूँ सही से। और वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि मैं दवाई खा खा के परेशान हूँ, और लग रहा है बोतल चढ़वाने के बाद तो मुझे और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। मैं तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है मेरी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो मेरे चैनल को डाउन मत होने दीजिएगा, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊँगी न्यू वीडियोस आपके सामने लाऊँगी। तो आशा करती हूँ आप लोग सभी YouTube फैमिली, सभी फ्रेंड्स को, कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।